पंजाब से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, खबर ये कि नवजोत सिंह सिद्धू अब नए अध्यक्ष होंगे पंजाब कांग्रेस की। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इधर हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह को इस बाबत जानकारी भी दी। थोड़ी देर पहले जब मुलाकात हुई तो यही जानकारी देने के लिए मुलाकात हुई थी, और सभी कार्यकारी जो अध्यक्ष होंगे कैप्टन की पसंद के होंगे, इस तरीके से तय किया गया है सुलह का फॉर्मूला। रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, सीधा उनका रुख करते हैं। रमन, पुख्ता जानकारी क्या ये सामने आई है, क्या सुलह का फॉर्मूला? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की जब मुलाकात हुई थी प्रियंका गांधी राहुल गांधी से, उसके बाद सोनिया गांधी को भी इसके बारे में बताया गया था कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैबिनेट में कोई जगह नहीं पाना चाहते, वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, उनकी पसंद है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने और पार्टी को फिर से सत्ता में वापसी के लिए मिलकर लड़ना चाहते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं। लेकिन कैप्टन को इस बात की खुन्नस थी, इस बात का गुस्सा था कि कई मौकों पर टीवी के जरिए, बयान के जरिए, ट्वीट के जरिए कैप्टन के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था वो भाषा उन्हें पसंद नहीं थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया जाए तो फिर उसी तरीके से वो उनका अपमान करते रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू की सुनील जाखड़, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी माने जाते हैं, उनसे मुलाकात हुई और बाहर आकर दोनों ने गले मिलकर फोटो भी खिंचवाया। यानी कि कह सकते हैं कि जो आलाकमान की तरफ से नवजोत सिंह सिद्धू को मैसेज गया, संदेश गया कि आप कैप्टन के जो करीबी लोग हैं उनसे अपने रिश्ते संभालिए, रिश्ते सुधारिए, और कैप्टन को ये कहा गया कि बाकी जो चार कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा कार्यकारी अध्यक्ष है, वो आपकी पसंद का होगा। और साथ ही साथ कैप्टन ये चाहते हैं कि पार्ट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनके बिना किसी भी नाम का फैसला ना हो। तो ये साफ तौर पर सोनिया गांधी की तरफ से बताया दिया गया है कि पार्टी में जब सीईसी की बैठक होगी उसमें आपके पसंद का खास ख्याल रखा जाएगा। चलिए, अब कितने बजे इसे सार्वजनिक किया जाता है, बताया जाता है, और कौन आकर मीडिया के सामने ये सुलह का फॉर्मूला डिक्लेयर करता है, ये देखना बाकी है। लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका रमन इस पर जानकारी हमें देने के लिए, और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।